बोला परिंदों को कहां तालीम दी जाती है ऊंची उड़ानों की, वो तो खुद ही नाप लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो आज की बहुत अच्छी अपडेट है जो मैंने लेटेस्ट जो अपडेट जो जानकारी मेरे पास आई है कि HSSC JVT 1456 पदों पर शॉर्ट लिस्ट कब होगी। ठीक है, और भाई डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या चाहिए जो अभी आप प्रिपेयर हो जाए, डॉक्यूमेंट्स बनाएं, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और ग्रुप नंबर जो 5657 का रिजल्ट आया है, बहुत अच्छे पद हैं उसमें, टैक्स एक्साइज का भी है, पटवारी है, ग्राम सचिव है, ठीक है, और भी बहुत से पद हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनमें कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन हो गया है, लगभग ज्वाइन भी हो गई है, तो उससे JVT की कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है, और रेस्ट ऑफ हरियाणा JVT का नया रिक्रूटमेंट कब आने वाला है। देखो कोई भी जो जानकारी होती है ये वर्ड ऑफ माउथ होती है, ये कह सकते हैं कि भाई जनसंचार के जो भी साधन होते हैं, कंप्यूटर है, नेट है, ठीक है, गूगल है, रेडियो, टेलीविजन, जो भी, और ये जो प्रिंट माध्यम होते हैं भाई, किताबों से, अखबार, पत्र पत्रिकाओं से, तो जो भी जानकारी हमें मिलती है वही हमारा ज्ञान होता है। ठीक है, तो अखबार में जो बातें थी जो मैंने पढ़ी है कि उसमें ये आया था, सबसे पहले हम बात करते हैं देखो सबसे पहले मैं कहूं कि जो JVT का रिजल्ट की हम बात करें या फिर DV की बात करें, शॉर्ट लिस्ट की बात करें, तो अखबार की जानकारी के अनुसार तो यह है कि भाई अक्टूबर महीने के लास्ट तक, यानी कि 31 अक्टूबर तक, शायद 31वां महीना, 31 अक्टूबर तक जो भी कैंडिडेट है उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, यानी कि उनको DV के लिए कॉल किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, वो 2.5 गुना है या 3 गुना है। तो कितनी सच्चाई है ये तो मैं प्रमाण के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि अखबार में तो कई बार जानकारियां गलत भी होती हैं, सही भी होती हैं, सारी बातें होती हैं। हाँ, ये सच्चाई है कि आपकी शॉर्ट लिस्ट तैयार हो चुकी है, ठीक है, जो 3 गुना है तो लगभग 4500 कैंडिडेट हैं, 2.5 गुना है तो भी उससे और कम लगाओ, यानी कि 30, 35, 36 हज़ार। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि शॉर्ट लिस्ट आपकी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, जहां तक मुझे अनुमान है नवंबर के फर्स्ट वीक में आएगी, अखबार के अनुसार मान्य तो आपकी डीवी की लिस्ट आने वाली है। ठीक है, तो ये जो आपकी लिस्ट है ये बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। पहला पॉइंट तो हमारा ये था। सेकेंड जो पॉइंट था कि देखो सेकंड पॉइंट है कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। अब जिन बच्चों के मैंने बताया था, एक वीडियो में बताया था कि 68+ जिसके हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखें, ठीक है, उस पर भी हम तीसरे पॉइंट में चर्चा करेंगे। देखो डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूं, डॉक्यूमेंट्स की यदि मैं बात करता हूं तो डॉक्यूमेंट्स की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो 2 ID, ठीक है, एक तो ओरिजिनल जिसमें आधार कार्ड हो या तुम्हारा पैन नंबर हो, और एक ID में लाइसेंस हो या पहचान पत्र हो, जो तो वो सारी चीज़ें सबको पता है, इसमें समय खराब नहीं करेंगे। इसमें जो मेन बात है वो ये है कि एक तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र है गांव का बनवाना, ठीक है, और कैसे बनता है ये सबको पता है, एक तो ये बनवाना, और जो मेन है कि आपकी जो सर्टिफिकेट है EWS की है या फिर OBC की है, तो यदि ये पुरानी है तो आप, या जो आपका निवास जो डोमिसाइल होती है, तो ये जिसका भी पुराना है वो आपको इसको नया बनाना है, ठीक है, और लगभग तो बच्चों ने बना लिया, सभी जागरूक हैं, जब रिजल्ट का इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो जाहिर सी बात वो बना लेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा वैसे बता रहा हूँ, एक एस्टेट की सर्टिफिकेट है ये आपके पास पुरानी होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ टाइम है, तो एस्टेट कई क्या कि बहुत से ऐसे हैं कि भाई एस्टेट मेरी गायब हो गई है, तो आपको बोर्ड में जाके एक फॉर्म आता है ऑफलाइन, वो भरना है, एस्टेट जब तक आ जाएगी विद इन 7-8 दिन में आ जाएगी। तो यदि आपका नवंबर फर्स्ट वीक में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट आती है 3 गुना 2.5 गुना की, उसके बाद भी आपके पास 5-7 दिन मिलेंगे, ठीक है, तो वो तो ये सारे तो आप डॉक्यूमेंट्स या तो किसी लगभग तो सभी ने बनवा लिए, लेकिन बनवा लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि देखो अब बात करते हैं, अब बात करते हैं कि ग्रुप नंबर 5657 रिजल्ट से कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस पे यदि हम बात करें
तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखो, मैंने आपको बताया था कि जनरल 68 से 73 और दो क्वेश्चन मैंने और जोड़ दिए थे, यानी मैंने 75 तक बता रखे हैं। ये तो मैं फाइनल सिलेक्शन मानता हूँ 75 वाले का। तो बाकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, मेरे अनुसार तो मैं 68 प्लस प्लस यानी 69 ही सेफ मानता हूँ, लगभग 68 भी सेफ मानता हूँ, लेकिन जहाँ तक 73 तक तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आ जाएगा। दो क्वेश्चन और लगा के भाई फाइनल लिस्ट तो 75 से ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं जाने वाली, और अगर जाती भी है, जाती भी एक आध क्वेश्चन और ऊपर भी जाती है, तो भी हम तो कहीं ना कहीं अध्ययन या कयास लगा रहे हैं, हम तो इस चीज़ को जोड़ के देख रहे हैं कि भाई ये आपका होने वाला है। उसके बाद मैंने OBC और जो EWS का मैंने बताया था भाई, मेरे ख्याल से 66 से और मैंने 71 तक बताया, दो क्वेश्चन और जोड़ के तो 73 बताया। इन OBC आ गया, BCB आ लिया, EWS आ लिया। उसके बाद मैंने SC बताया था आपको 65 से लेकर और 70 प्लस दो जोड़ता हूँ तो 72, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग तो ये फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि मैंने जैसे ये लगा लो, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मेरी पहुँच है, तो मैंने निष्कर्ष निकाला तो मुझे यही लगा। पहले तो मेरा निष्कर्ष 73 ही था, लेकिन अब हो सकता है कुछ एक और कैंडिडेट के जो डाटा मेरे पास आए हैं या मेरे से जिससे मेरी बातें हुई हैं, तो वो लगभग लास्ट पॉइंट ये कहता है कि जनरल 75 से ऊपर नहीं जाएगी, से ऊपर नहीं जाएगी। इसका मतलब 73 भी सेफ है और 68 प्लस तो DV के लिए सेफ है। अब हम छोटी सी बात करेंगे कि ग्रुप नंबर 56 57 या मैं कहूं कि 25,000 पदों पर जो रिजल्ट आया है, ठीक है, तो उसमें मेरे ख्याल से हरियाणा पुलिस के तो कम ही कैंडिडेट होंगे या कि भाई जो JVT में भी बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। पर हाँ, इतना क्लियर है कि 56 57 वाले जो कैंडिडेट हैं, उन्होंने मैक्सिमम देखो 1456 जो वैकेंसीज हैं, इसमें तो मैं कहता हूँ कि 5,000 जो है वही आपके साथ कंपटीशन रहने वाला है। उससे ऊपर तो बहुत पुराने, 12 साल बाद एग्जाम हुआ था, तो वो तो कहीं कहीं एडजस्ट हो गए, कहीं कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चले गए, कोई गेस्ट टीचर के रूप में, कोई DC रेट पर, कोई HKRN में, कोई। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो असली कंपटीशन है 1456 में 5,000 के साथ है। तो 5,000 में से मैं तो यही कहूँगा कि कम से कम 2,000 प्लस ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 56 57 का एग्जाम दिया है, उनका सिलेक्शन भी कुछ एक का। देखो, ये नहीं कि सारे बच्चों का 56 57 में होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, इतना फर्क पड़ता है कि चाहे 56 57 में हो सकता है कि चाहे 1,000 कैंडिडेट ही हों, चाहे 500 ही हों, चाहे 700 ही हों, लेकिन ये जो 56 57 में जाने वाले हैं, इन्होंने JVT में तो अच्छा स्कोर किया, ये कन्फर्म है। कितने गए इसका कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, लेकिन जो 56 57 में जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, वो मेवात में नहीं जाएगा, वो लोकल में 56 57 ही ज्वाइन करेगा, इससे अच्छी नौकरी मेवात में नहीं है। और फिर एक और ये सोचेंगे कि भाई मेवात में जाने की बजाय तो रेस्ट ऑफ हरियाणा में भी JVT के आने वाले हैं, यदि हमें नौकरी चेंज ही करनी है तो हम हरियाणा, क्योंकि स्कोर तो वहाँ भी अच्छा करेंगे यदि ये अपनी तैयारी को रेगुलर रखते हैं तो। और केवल संतुष्ट हो गए कि भाई सही है, हम घर के नज़दीक या लोकल में है या बिल्कुल सही है, तो वो हो सकता है तैयारी भी छोड़ दे। और कई बहुत महत्वाकांक्षी भी होते हैं, तो हो सकता है वो बहुत वो PGT की भी तैयारी करते हैं, वो और भी बड़े पोस्टों पर जाना चाहते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ से JVT से जितने भी कैंडिडेट निकलेंगे, वो कम से कम वो कैंडिडेट जरूर निकलेंगे जो JVT में उन्होंने अच्छा स्कोर किया है। ठीक, अच्छा मेरा मतलब अच्छा मतलब 70 प्लस। ठीक है, अब भी ये एक तो बहुत लंबे समय से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एक 12 साल बाद भर्ती आई है, एक फिलहाल बच्चे इतने अनुभवी हो गए कि वो DSSB का भी दे रहे हैं, KVS का भी दे रहे हैं, हरियाणा की HSSC का भी दे रहे हैं, HPSC का भी दे रहे हैं, चंडीगढ़ का भी, तो इनका अनुभव इतना हो गया कि यहाँ उनके लिए 75 नंबर लेने, 75 क्वेश्चन ठीक करने, मतलब बहुत बड़ी बात नहीं होती उनके लिए। हालांकि जो मीडियम जिसकी तैयारी होती है, उसके तो मैं कहता हूँ 65 आने, बहुत से ऐसे साथियों को मैं जानता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की, लेकिन वो 65 66 क्वेश्चन तक ही सिमट कर रह गए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सब कैसे प्रकृति बैलेंस बनाती, बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, टॉप स्कोरर भी होते हैं, ठीक है, मीडियम भी होते हैं, बिल्कुल ऐसे भी होते हैं जो अपने नंबर बहुत ज़्यादा बताएंगे, लेकिन उनका जब पेपर चेक करें तो उनके 60 भी नाम, तो ये तो सब कैसे होते हैं। लेकिन ये स्कोर कहीं ना कहीं आपका सेफ रहेगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में 3 गुणा में ये लगा लो आप, 68 से 73 के बीच में ही उठोगे जर्नल में, ये 71 से नीचे नीचे वाले उठेंगे, ये 70 से नीचे वाले। आगे दो दो नंबर, इसलिए दो दो मैंने नंबर ही जोड़े, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब है कि आपका पेपर 95 का था, एक क्वेश्चन 0.95 का था। ठीक है, तो जो 75 जिसके क्वेश्चन ठीक होंगे, तो उसके लगभग 70 के लगभग नंबर बनेंगे। ठीक
ठीक है, 80 क्वेश्चन जो ठीक करेगा उसके ये लगा लो 0.95 से हम गुणा करते हैं तो ये लगा लो उसके लगभग 76 नंबर बढ़ेंगे। तो ये जो मेरा है वो क्वेश्चन का है, नंबर का नहीं है, मैंने नंबर नहीं बनाया, ये क्वेश्चन बनाए हैं। तो हो सकता है कि इनमें एक आध क्वेश्चन और भी ऊपर नीचे हो जाए तो भी मैं भाई, अगर वही बात है कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी हम भाई जहाँ से जानकारी इकट्ठी करते हैं उस हिसाब से ही कट ऑफ बनाते हैं, तो लगभग सेफ स्कोर रहेगा आपका 56-57 से कट ऑफ में फर्क पड़ेगा, और फर्क पड़ेगा एक आध नंबर का, एक आध नंबर का मतलब एक दो क्वेश्चन का फर्क पड़ेगा। तो लगभग आपकी डीवी जानकारी टू प्रिंट माध्यम जो अखबार न्यूज पत्रिकाएं होती हैं उनके हिसाब से आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है तैयार है, और वो इसी महीने की 31 अक्टूबर से पहले की सुनने में आ रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि नवंबर के फर्स्ट वीक में अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना। अब एक बात और बताता हूँ आपको, जो रेस्ट ऑफ हरियाणा की है एक जानकारी के अनुसार तो 3000+ 3000 वैकेंसीज आ रही हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि लगभग 1500-2000 के बीच में आपकी वैकेंसी आएंगी रेस्ट ऑफ हरियाणा की। अपने आप को प्रिपेयर रखें, कोई चीज़ लास्ट नहीं होती, ठीक है, कोई भी चीज़ लास्ट नहीं होती, हर चीज़ ये मान लो शुरुआत है। अगर मेवात में एक आध नंबर से रह गया तो वेटिंग का इंतज़ार करना, और इंतज़ार के साथ तैयारी करना, नियमित और लगातार उसी दिशा में प्रयास करना। सफलता का असली मजा जब आता है जब हमने असफलता का स्वाद चखा है, ठीक है। और बोला मंजिलें तो उन्हें मिलती है जिनमें जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। एक छोटी सी आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर और सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैंने एक टारगेट था मेरा कि धनतेरस के दिन तक मैं 10K के चक्कर में था, लेकिन अभी कम है उसमें। यदि आप मेरा पहले आपने साथ दिया था, यदि अब भी साथ देते हो तो हो सकता है मैं अपने टारगेट को अचीव करूं, ठीक है। और एक आध कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि आप केवल व्यू लेने के लिए और ये वीडियो बनाते हो, सच्चाई है व्यू लेने के लिए ही बनाता हूं, कोई निसंदेह। मैं जानकारी क्यों देता हूं कि मेरी मैं ज़्यादा से ज़्यादा सही जानकारी दूँ ताकि आप मेरे से जुड़ो, ताकि आप मुझे लाइक करो, मुझे अप्रिशिएट करो, ठीक है। और इसके पीछे की वजह है मैं व्यू लेना चाहता हूं, नो डाउट व्यू लेना चाहता हूं, और कोशिश करता हूं कि मैं सही जानकारी दूं ताकि लंबे समय तक मैं YouTube से जुड़ा रहूं। यदि मैं एक बार गलत जानकारी देखकर और व्यू ले लूंगा तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता उसे, यानी कि मैंने पता नहीं क्या ही कमा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी एक इच्छा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव बोलूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें मोटिवेट करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्टिक जानकारी दूँ, ठीक है। और किसी भी जानकारी में हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, भाई ये ऐसा संभवतः है, मेरी ऐसी सोच है, या मेरा ऐसा अनुभव है, या मेरा ऐसा अध्ययन है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। मैं जब भी कोई एक्यूरेट अपडेट होती है तो ही मैं वीडियो बनाता हूँ, ये कट ऑफ है ये एक्यूरेट नहीं होती है, किसी की नहीं होती है, मेरी नहीं, दुनिया के किसी भी आदमी की नहीं होती है, और कई बार हम बताते हैं उससे भी कम चली जाती है, ठीक है। किसके पास कितना अनुभव है, किसने उस मैटर में कितना अध्ययन किया है, उसके अकॉर्डिंग वो कितना सही बताता है, केवल ये डिपेंड करता है, ठीक है। एक थोड़ा सा नया आदमी बताए, एक थोड़ा सा बहुत जिस इसी क्षेत्र में जिसको नॉलेज हो, इसी क्षेत्र से निकला हो, तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं सही जगह पर जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना, आपकी डीवी की लिस्ट आएगी, सभी को मैं अग्रिम बधाई देता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है, प्रयासरत रहे, जीवन में संकल्पकृत होकर सही दिशा में प्रयास करते रहें, 1000% जीवन में सफलता सुनिश्चित है। सफलता बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, केवल वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उस पर कितना प्रयास करते हैं, ठीक है। हमने सफलता के बराबर मेहनत हमारी हुई है या नहीं हुई है, केवल इस बात पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मेरे टारगेट को पूरा करवाना, बहुत जल्दी हम मिलते हैं आपसे जब आपकी डीवी आएगी, और सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।